अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं इडली। इडली के लिए तो हमको कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ये इडली इंस्टेंट इडली है। ये सिर्फ एक घंटे के अंदर इडली या इसके साथ आप चटनी भी बना सकते हैं या सांभर भी बना सकते हैं। सिर्फ एक घंटे के अंदर ये तैयार हो जाती है और खाने में भी मज़ेदार होती है और सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली भी तैयार हो जाती है। छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन ब्रेकफास्ट आप एक घंटे के अंदर आप झटपट ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं, या सुबह में भी बच्चे स्कूल जाते वक्त भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम रवा। ये रवा है, इसको सूजी बोलते, रवा बोलते और इसको इंग्लिश में सेमोलिना बोलते। ये लेना और मैं 100 ग्राम ली, और कर्ड दही ली मैं 80 ग्राम, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम। अब ये रवे को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को और रवे को पहले एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। ये बिल्कुल घटे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रवा पानी को बहुत अब्सॉर्ब कर लेता बहुत, अब तो इतना ही कंसिस्टेंसी काफ़ी है। इसको फिर बाद में फिर कम पड़ने पर पानी को ऐड करेंगे, लेकिन कम तो पड़ता है। ये पूरा पानी जो आपको, ये सूजी जो लूज दिख रही, ये हार्ड हो जाती, पूरा पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब इसको ढाप के आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा, जब तक हम दो चटनियाँ बना लेंगे, एक फल्ली की चटनी और दूसरी अदरक की। फल्ली की चटनी के लिए मैं ली हूँ 2 टेबल स्पून फल्ली, और इसको रोस्ट कर ली। 1 टी स्पून है नमक है, 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 हरी मिर्चियाँ हैं, 2 से 3 हरी मिर्चियाँ हैं, 1 टी स्पून फुल ज़ीरा है, और ज़ीरे को कच्चा ही डालेंगे, रोस्ट नहीं करेंगे, और लहसुन को भी कच्चा ही, और थोड़ा सा इमली का पल्प। अब इसमें डालेंगे पल्प। बिल्कुल घट ना रखना चटनी, थोड़ी हल्की सी लूज़ रखना। जब इमली का पल्प डाल रहे हैं तो चटनी घटी रहती, थोड़ा सा पानी भी मिक्स करके ग्राइंड कर लेना। अदरक की चटनी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 2 इंच का मोटा अदरक का टुकड़ा, उसके पीसेस कर लिए, और 2 लहसुन की कलियाँ ली, 1/2 टी स्पून मिर्ची है, और 1 टेबल स्पून है जैकरी गुड़, 1/2 टी स्पून है नमक। ये दो भी चटनियाँ झटपट बनने वाली है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब है ये इमली का पल्प। अब इसको ग्राइंड करेंगे। चलिए, अदरक की चटनी हमारी तैयार है। सिर्फ मिनटों में बनने वाली चटनियां हैं, और 2 भी चटनियां ज़बरदस्त है जायके में। आप दोसे के साथ भी इसको बना सकते हैं, इडली के साथ बना सकते हैं, वड़ों के साथ बना सकते हैं, और ये अदरक की चटनी से तो अच्छे सा डाइजेशन भी अच्छा होता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। अदरक की चटनी को बघारने की ज़रूरत नहीं है, इमली की चटनी, फल्ली की चटनी को बघारेंगे। चलिए, फल्ली के तिल के बघार के लिए मैं ले लूँ ड्राई सूखी मिर्ची के 3 पीसेस है, 1/4 पाव चम्मच ड्राई है, थोड़े से करियप्पा के पत्ते। बघार के लिए मैं पैन रख दी, पैन में डाली 1 टेबल स्पून ऑयल, और पहले डालेंगे राई। राई तड़कने लगने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए, हमारे 2 भी चटनियाँ रेडी तैयार है। चलिए, आधा घंटा हो गया, अब इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको मिला लेंगे। अब इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए मैं ली हूँ एक पैन में डाली 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब थोड़ी सी इसमें राई डाल देंगे। राई तड़कने लगे, अब इसमें मूंग की दाल डालेंगे, 2 टीस्पून मूंग की दाल, और इसको ब्राउन होने देंगे। मूंग की दाल से टेस्ट भी अच्छा था और फ्लेवर भी अच्छा था। इसको हल्की सी ब्राउन होने देंगे। मूंग की दाल हल्की सी ब्राउन होने लगी, अब हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा करियप्पा।
फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए चॉप किए हुए गाजर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें खाने का सोडा डालेंगे 1/4 चाय के चम्मच से पाव चाय का चम्मच। अब इडली के सांचे को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने से क्या होता है, इडली इसको चिपकती नहीं। सारे इडली के सांचों में एक एक काजू मैं डाल दी। अगर ज़रूरत, ये ज़रूरी नहीं है, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अब इसमें बैटर डालना शुरू कर देंगे और ये तैयारी करते वक्त जो इसका सांचा है पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देना। ये सब तैयार हुए तक पानी बॉयल हो जाता, झटपट बन जाती है हमारे इडली। थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए डालेंगे, ज़्यादा डालें तो फूलने के लिए जगह नहीं रहती। अब इसको सांचे में चढ़ा देंगे। पानी को मैं बहुत पहले गर्म करने रखती, पानी अच्छे से गर्म हो गया, फ्लेम को धीमा करके ये रखना, नहीं तो हाथ पे स्टीम से हाथ पे स्टीम मारती। अब इसको कवर कर देंगे, एक 2-3 मिनट इसको कवर करके तेज़ फ्लेम पे रखेंगे। 2-3 मिनट के तेज़ फ्लेम पे रखेंगे, 2-3 मिनट के बाद धीमे फ्लेम पे 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट में तेज़ फ्लेम पे रखी और 2-3 मिनट होने के बाद फ्लेम को धीमा कर दी। 15 मिनट तक मैं धीमे फ्लेम पे रखी, 15 मिनट हो गए, फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद एक 5 मिनट इसको टच नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद इडली निकालेंगे। इडली को सांचे में से निकालने के बाद एक 5 मिनट इसको इस तरह से छोड़ देंगे और इसके बाद निकालेंगे और टूथपिक की मदद से चेक कर लेना। वैसे तो ये इतने टाइम में तैयार हो ही जाते हैं। चलिए इसको निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट इडली बनी। माशाल्लाह हमारी इडलियाँ बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनी। अदरक की चटनी, और फल्ली की चटनी, अदरक की चटनी है, फल्ली की चटनी और गन पाउडर। गन पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह गन पाउडर की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही। चलिए हमारे इंस्टेंट इडली की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी, बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ये चटनी, 1 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता। और ये चटनियों को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और माशाल्लाह अदरक की चटनी बहुत मज़ेदार है और फली की चटनी भी बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाइए, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, स्नैक्स टाइम बना सकते हैं, कम टाइम में आप झटपट तैयार कर सकते हैं। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।